सरयू के शहर में शांति है। सबसे बड़े फैसले को देखने के लिए दम साधे खड़ा है अयोध्या। लेकिन अयोध्या के बाहर हलचल तेज है। हलचल ये कि किसी भी सूरत में हालात बिगड़ने न पाए। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा घूम घूम कर सद्भावना की अपील कर रहे हैं। वो मदरसों में बच्चों से मिले। इसके अलावा मोहसिन रजा 5 बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं के घर पहुंचे और उनसे अपील की कि वो अपने अनुयायियों को शांति व्यवस्था कायम करने की अपील करें। दरगाह खास करके मशहूर है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पूरे देश में, तो हम सब यहाँ दुआ करने आए हैं कि जो भी फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय देगा, जैसा तमाम हजरात अभी आपके सामने कह रहे थे, यहाँ के ट्रस्टी साहब ने कहा कि हम सब उसको सर चढ़कर मानेंगे, क्योंकि हमारी देश की अदालत है और जो फैसला करेगी अमन के साथ उस फैसले को हम स्वीकार करेंगे और उसमें हम सब शरीक होंगे। इधर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की देख रेख करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का 20 लोगों का जत्था पूरे देश में शांति की अपील के लिए निकल रहा है। ये मुस्लिम धर्मगुरु देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर शांति की अपील करेंगे। ये सब जगह जाएंगे, हमारा जो जत्था है ये सब जगह बात करेंगे, हिंदुस्तान में हर आदमी से बात करेंगे और प्यार मोहब्बत बनाए रखने की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, गंगा जमुना तहजीब की बात करेंगे ये लोग, और कोई ऐसा मसला नहीं निकले कि जिससे लोग परेशान आपस में हों। उधर उज्जैन पहुंचे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे। दर्शन करने के बाद श्री श्री ने भी लोगों से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो आए, इसे हार जीत के तौर पर न देखें। इस फैसले पर ना तो जश्न मनाएं, ना गम दिखाएं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सब शांति से रहिएगा, कोई बड़ा उत्सव वगैरह मत मनाइए या कोई किसी तरह का कोई धारणा वरना ऐसे कोई ना करें। आपसी भाईचारा सौहार्द को बनाए रखना, और भारत देश का ये गरिमा है, इस गरिमा को हम भूले ना। जमीयत उलेमाए हिंद के धर्म गुरु ने भी आरएसएस के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात का मजमून भी यही रहा कि अदालत के फैसले से किसी भी हालात में शहरों की शांत सूरत न बदलने पाए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द के अंदर शरीक रहना चाहिए, आपस में इख्तलाफ और मारधार न होना चाहिए। बाकी जो हमारे नजरियात हैं उस पर हम आज़ाद हैं, जो उनके नजरियात हैं उन पर वो आज़ाद हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश एक ही है कि अयोध्या के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो हो उसे खुले दिल से स्वीकार किया जाए। अपने अपने स्तर पर लोग माहौल को बनाए रखें, शांति व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने न पाए।